हेलो एवरीवन, अब हम ट्यूटोरियल कंप्यूटर की ट्यूटोरियल पे बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ट्यूटोरियल पे, जो बहुत ज़रूरी है बात कर लेना क्योंकि लेट हो चुका है आज पूरे दिन में। तो सीवी हम जैसा बना रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं, सीवी में हमने कल बताया था आपको कि सर्टिफिकेशन कैसे लिखते हैं। काफ़ी कुछ हमने कर लिया है, जैसे नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद सर्टिफिकेशन, और आज है बारी वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस में हमें कुछ चीज़ें लिखना ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपने क्या काम किया, उसका ड्यूरेशन कितना था, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना था, और आपकी कंपनी का एड्रेस चाहते हैं तो एड्रेस, और कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपके ऊपर है। परल यहाँ डाल देते हैं लोकेशन, कंपनी लोकेशन, क्या डालेंगे, कंपनी लोकेशन, ये लोकेशन ऑफ कंपनी, लोकेशन ऑफ दी कंपनी। तो ये हम तीन का कॉलम्स बना लेते हैं और हमें इसी के हिसाब से लिखना पड़ता है। अगर हमारे पास, अगर आप फ्रेशर हैं तो अलग बात है, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये हम बुलेट्स में भी दे सकते हैं और हम टेबल के थ्रू भी इसको लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक मेरी बात समझी होगी, ज़्यादातर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बुलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम टेबल का यूज़ करते हैं, कहीं हम लेफ़्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, कहीं पे हमने राइट भी किया है, हेडिंग सेंटर में भी रखी हैं। तो सारी बातें अब तक आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। ये आपके ऊपर है, बुलेटिंग लगाना मैंने बता दिया है, अगर आप चाहें तो बुलेट्स में दे सकते हैं, मैं आपको टेबल में देना बताती हूँ। ओके, चलिए जी, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्वालिफिकेशन दी थी, उसके बाद हमने अपना सर्टिफिकेशन दिया जो बुलेट्स में दे दिया, उसके बाद एक लाइन एंटर छोड़ के ब्लैंक रखेंगे, अगली एक और बार एंटर करेंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, और यह हेडिंग डालेंगे वर्क एक्सपीरियंस, WORK वर्क एक्सपीरियंस, EXPERIENCE वर्क एक्सपीरियंस लिखा, लिख के इसको होम करके पूरी लाइन को सेलेक्ट करेंगे। वर्क कैसे सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डाउन या शिफ्ट एंड के थ्रू, अब तो मैं बहुत दिन से बताती आई हूँ, आपको याद होगा। तो इसको सेलेक्ट करके हम पहले सेंटर अलाइनमेंट देते हैं, कंट्रोल ई एलिफेंट वाला, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाते हैं, 16 कर देते हैं, है ना, 14 कर लीजिए, यह चाहिए 16, मैंने सबका रखवाया, 16 कर लीजिए, है ना। मेन हेडिंग का बस हमने किया था ज़्यादा, है ना, 18 किया था, आपको याद होगा, यहाँ 14 रखा है मैंने सारी हेडिंग्स का, उसका मैंने 22 का था आपको, 18-22 में आप कितना भी रख सकते हैं, जो करिकुलम वीटा डाला था। तो यहाँ इसका हेडिंग हमने जो टेक्स्ट साइज है, कंट्रोल शिफ्ट डॉट या कंट्रोल राइट ब्रैकेट से बढ़ाकर हमने 14 कर लिया, और 14 करने के बाद इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दिया, इसको टेक्स्ट साइज बढ़ा दिया, अब इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर लेते हैं, कंट्रोल बी और कंट्रोल यू। अब इसके नीचे एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, एंटर करेंगे, अगली बार फिर से एक और ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, वो मतलब एक और ब्लैंक लाइन में जाने के लिए एंटर करेंगे, क्योंकि हमें एक लाइन ब्लैंक रखनी है, जितनी बार एंटर करेंगे उतनी बार न्यू लाइन में हम चले जाएंगे, ये किसी भी डॉक्यूमेंट में जाने के बाद एंटर करने का रूल होता है। दो तरह से, या तो एंटर से आपकी लाइन चेंज होगी, या फिर आपकी कमांड के बाद जब एंटर करेंगे तो कमांड कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, बट कमांड सिस्टम को सही दी गई हो तो, ठीक है। अब यहाँ हम टेबल बना लेते हैं, फिर से एक AltNTI टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के AltNTI, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फोकस कॉलम्स पे जाएगा सीधा, यहाँ मैंने तीन कॉलम्स लिए, अप डाउन एरो से तीन सेलेक्ट कर लिया, और मान लीजिए मैंने दो जगह काम किया है, तो जब मैंने टैब किया तो मेरा ऑलरेडी फोकस सिलेक्टेड रोज टू मेरे पास था, फिर मैंने टैब से ओके बटन किया तो मैंने 2 को भी 3 कर लिया, क्योंकि मुझे हेडिंग के लिए भी एक रो चाहिए, तो अप डाउन और उसको 3 कर लेती हूँ रोज को, ये 2 पे मेरा फोकस है, फिर टैप से ओके बटन, 3 रोज 3 कॉलम्स हो गए। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत जगह किया है काम, लेकिन मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, तो करेक्ट है।
यहाँ पर अब हमने क्या करना है, थ्री कॉलम्स थी, थ्री रोज की टेबल बन गई। तो अब मैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो टैब नेक्स्ट के लिए, ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो प्री, ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो शिफ्ट टैब प्रीवियस कॉलम के लिए, ऑल्ट कंट्रोल होम टॉप ऑफ द टेबल, ऑल्ट कंट्रोल एंड बॉटम ऑफ द टेबल। अब मैंने पहले ही नेविगेशन बता दी, अब मैं इससे ज़्यादा आपको बार बार नेविगेशन नहीं बताऊँगी। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम, लिखेंगे डेजिग्नेशन। क्या लिखेंगे? डेजिग्नेशन, DESIGNATION, डेजिग्नेशन। कॉलम टू में लिखेंगे ड्यूरेशन, और थर्ड में लिखेंगे लोकेशन ऑफ कंपनी, ये लिख दीजिए कंपनी लोकेशन या लोकेशन ऑफ द कंपनी, ये आपके ऊपर है। ये तीन को चार भी कॉलम कर सकते हैं, जैसे कंपनी एड्रेस या कंपनी कॉन्टैक्ट, या फिर एक लिख सकते हैं HR कॉन्टैक्ट, ये इतना लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट टू कंपनी। थर्ड कॉलम में लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट टू कंपनी, तो कॉन्टैक्ट कंपनी में आप चाहे किसी HR का नंबर दे दें, है ना, समझ गए ना। यानी जैसे हमने लोकेशन कंपनी दे दिया है, तो अब हम यहाँ लोकेशन कंपनी बता देंगे किस जगह कंपनी है। अगर हम ये ना देखें, या तो एड्रेस ऑफ कंपनी एड्रेस, कंपनी कॉन्टैक्ट, फोर्थ कॉलम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ कॉलम में देते कि ये, या तो चार कॉलम ये दिए होते, या ये दो कॉलम देखे जो थर्ड कॉलम हमने दिया है कंपनी, क्या दिया, कंपनी लोकेशन, ये ना दे करके हमने दिया होता कॉन्टैक्ट पर्सन, तो कॉन्टैक्ट पर्सन भी दे सकते थे हम, पर हमें कंपनी नेम देना ज़रूरी लग रहा था, इसलिए हमने हमने दे दिया है यहाँ पर। तो अगर मुझे कंपनी लोकेशन दे दिया है मैंने, लेकिन मुझे चार कॉलम देने चाहिए थे, कंपनी नेम, कंपनी लोकेशन, थर्ड कॉलम में कंपनी नेम, फोर्थ कॉलम में कंपनी लोकेशन। फिलहाल मैंने तीन ही कॉलम दिए हैं, मैं चाहूँ तो इंसर्ट कर सकती हूँ, एक कॉलम और इंसर्ट कर लूँगी। तो मेरा बताया है एप्लीकेशन मेन्यू में जाइए, एप्लीकेशन मेन्यू यानी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में शिफ्ट F10 से, या कॉन्टेक्स्ट की से, जो लोग एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं उनको तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की होगी, वहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, आपको मिलेगा सेल या कॉलम्स का एंटर, सॉरी सेल या कॉलम्स का ऑप्शन, वहाँ पे एंटर करेंगे, जहाँ वो आपसे लेफ्ट या राइट में पूछेगा, जहाँ चाहते हैं एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, जिस रो में भी, वो सारी रोज में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं हम, कंपनी लोकेशन दिया है हमने, तो ये इसको ही कर लेते हैं कंपनी नेम एंड लोकेशन। क्या कर देते हैं? कंपनी नेम / लोकेशन। यहाँ पे मैंने लिखा COMPANY, कंपनी, कंपनी है ना। अब यहाँ पे कंपनी लिख के NAME नेम / लोकेशन ये लिख दिया, तो ये मैंने ऐसे कर दिया, थर्ड कॉलम बना दिए पहले। अब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में जाऊंगी, जहां मैं लिखा है डेजिग्नेशन, यहाँ पे मैं लिखूंगी काउंसिलर, जहां मैंने ड्यूरेशन लिखा है, ड्यूरेशन लिखा है वहाँ पे लिखूंगी 1 ईयर। उसके बाद जहाँ मैंने कंपनी नेम / लोकेशन लिखा है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ PNMG ग्रुप लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, इतना ये एक कॉलम में लिखा, ये एक रो कंप्लीट हो गई, यानी एक एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया। फिर हम थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेनर एज ए कंप्यूटर ट्रेनर, एज ए लिखें या ना लिखें वो तो मैंने बोल दिया, कंप्यूटर ट्रेनर। फिर उस सेकेंड थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, ड्यूरेशन के नीचे आ जाएगा ना 1 ईयर, और जो थर्ड रो का थर्ड कॉलम है उसमें लिखूंगी मैं, क्या लिखूंगी, वन ईयर तो हो गया, वहाँ पे जो थर्ड रो का थर्ड कॉलम है यहाँ पे हम लिखेंगे सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली। तो कंपनी नेम / लोकेशन जहाँ मैंने लिखा है, यहाँ मैंने इसके नीचे ये मेरे दोनों कंपनीज के नाम आ गए, ये टेबल सेट हो गई। इसको जाके टेबल को सेलेक्ट कीजिए और सारी रोज कॉलम्स को एप्लीकेशन में जाइए, बताया था ऑटो पे जाके एंटर कीजिए, टेबल सेट हो जाएगी, जितने कॉलम्स में जितने टेक्स्ट को जितनी जितनी जगह चाहिए वो वैसे वैसे अपना ले लेंगे। इसी को मैं बुलेट्स में भी लिख सकती थी, जैसे कि मैंने लिखा कि बुलेट्स लगाई, पेपर नंबरिंग भी दे सकती थी, नंबरिंग अच्छी नहीं लगती है, जैसे वर्क बुलेट्स कंप्यूटर ट्रेनर बुलेट काउंसिलर, है ना,
उसके सामने थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख देती कि इतने मानती है वो, लेकिन मैंने सच्चा क्या है कि टेबल ही बना लेती हूँ, तो टेबल बना लेती। बुलेट्स में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और हर ऐसा भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा काउंसिलर, बुलेट काउंसिलर, काउंसिलर लिख के बुलेट लगाया, फिर उसके बाद लिखा ड्यूरेशन 6 मंथ या 1 ईयर, वहाँ बुलेट लगा दिया, फिर लिखा कंपनी का नाम और लोकेशन, जो मतलब मान लीजिए PNM ग्रुप लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, यहाँ पे बुलेट लगा दिया, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे एंटर करके, फिर दूसरा जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आप लिखेंगे एक ब्लैंक लाइन छोड़ के। तो ये आप बुलेट्स में ऐसे देंगे। कई तरीके होते हैं जो स्मार्ट, दो तरीके हैं बुलेट्स वाला, जैसे एक आपने ड्यूरेशन, कंपनी नेम, लोकेशन, और उससे पहले सबसे पहले डेजिग्नेशन, ये तीनों पर आपने कर दिया क्या, आपने बुलेट्स में लगा दिया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर दूसरा एक्सपीरियंस है, दूसरा, फिर एक लाइन ब्लैंक, फिर तीसरा है, तीसरी जगह काम किया है तो उसमें भी डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कंप्यूटर ट्रेनर, ड्यूरेशन 1 ईयर, और फिर उसके बाद कह रहेंगे जो कंपनी नेम / लोकेशन, फिर उसका जगह का नाम, ये तीनों बुलेट लगा दिया, फिर ब्लैंक लाइन। तो बुलेट्स और टेबल, जो स्मार्ट दो मेथड हैं वो मैंने आपको बुलेट्स लगाने का तरीका कहा। ऑल्ट एच यू करेंगे तो आपका डायरेक्ट फोकस, बुलेट्स मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता चुकी हूँ बुलेटिंग पढ़ाते वक्त, तो इसलिए मैंने शॉर्ट बताया है। ऑल्ट एच यू करेंगे, डायरेक्ट जाएगा आपका नन पे कर्सर, राइट एरो या टैब से जो भी आपको बुलेट चाहिए वो लेके एंटर कर दीजिए, मतलब वहीं पे ही उस पे कर्सर रख के, तो आपका बुलेट्स आपका लग जाएगा। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये दो स्मार्ट मेथड थे। जो फ्रेशर हैं वो वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग को यूज़ नहीं करेंगे, जो भी फ्रेशर हैं वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग को बिल्कुल यूज़ ना करें। कंट्रोल एस करके ज़रूर हर हेडिंग के बाद जो मैंने जितना कुछ करवाया कंट्रोल एस करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा। एक बार CV की फाइल बनाते जा रहे हैं हर रोज़, जैसे जैसे वो एडिटिंग मैं करवा रही हूँ उसको कंट्रोल एस करते रहें। जिनके पास सिस्टम हो वो प्रैक्टिकली अपना CV बना के ज़रूर रख लें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो राधा दीदी को बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो आपकी दिक्कत क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो कल के ट्यूटोरियल में, कल तो संडे है, कल तो नहीं मिलेंगे, मंडे के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी हॉबीज़ के बारे में और स्किल्स के बारे में। जो फ्रेशर हैं वो वर्क एक्सपीरियंस का यूज़ ना करें, बाकी वर्क एक्सपीरियंस का यूज़ जो जिन्होंने जॉब की हुई है ऑलरेडी, चाहे उन्होंने कुछ भी जॉब की है, वो अपना डेजिग्नेशन, कंपनी नेम / लोकेशन और अपना ड्यूरेशन तीनों मेंशन करें, उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि CV मिरर ऑफ द ह्यूमन बीइंग होता है। तो मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।